हेलो स्टूडेंट्स, हमने सिक्स्थ लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर जो भी अपने चल रहा है उसमें सिक्स्थ लेक्चर में डिस्कस किया था वेट यूनिट्स को पूरा कर लिया था अपन ने, ठीक है। एक न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर ली थी और अब अपन आगे वाले न्यूमेरिकल इस वीडियो में देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से पहले आपको सारे जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो, चाहे वो मॉलेरिटी का फॉर्मूला हो, चाहे वो वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर विदाउट एनी डाउट याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में उनको सही से अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन वहाँ पे अपन ने कर लिया था उस क्लास में, और क्वेश्चन नंबर टू से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 10^-3 ग्राम क्लोरीन, ठीक है, 10^-3 ग्राम क्लोरीन डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन 1 kg वाटर सॉल्यूशन, 1 kg वाटर सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन ppm यूनिट्स। हिंदी में क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि 10^-3 ग्राम क्लोरीन 1 kg जलीय विलयन में 1 kg जलीय विलयन में घुली हुई है तो क्लोरीन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। अब इसके पहले जो एक क्वेश्चन किया था आपने प्रीवियस क्लास में, उसमें हमें 10 ग्राम शुगर को दिया था और बोला गया था 90 ग्राम जल में उपस्थित है, 90 ग्राम वाटर में उपस्थित है, तो वहां पर वो सॉल्वेंट था, ठीक है। यहां पे आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ 10^-3 ग्राम क्लोरीन 1 kg वाटर में है, ठीक है, 1 kg वाटर में है। केवल वाटर नहीं लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ, सॉल्यूशन, यानी वो खुद कह रहा है कि 1 kg वाटर सॉल्यूशन में है, यानी आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। यहां पे आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर यहां पे ओनली लिखा होता 1 kg वाटर, तो देन आप कुछ उसमें दूसरे तरीके से सोचते, तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। अब आप यहां पे ppm का फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले तो आपको गिवन दिया हुआ क्या क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप यहां पे डिसाइड करके बताइए कि सॉल्यूट क्या है आपका, क्लोरीन है, तो कितना है, 10^-3 ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा आपको, 1 kg यानी 1000 ग्राम, यानी कि 10^3 ग्राम। आपका ppm का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सही, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय ppm में बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, 10^6 से, या 10^9 से, जल्दी से सोच के बताओ। तो यहां पे आएगा 10^6 मल्टीप्लाई में। अब यहां पे रख दीजिए आप वैल्यूज, 10^-3 अपॉन 10^3, ध्यान रहे मैंने 1 kg को ग्राम में लिखा, तो 10^3 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10^6। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 10^-3 ऊपर है, 10^-3 × 10^6 यह आ जाएगा आपका
1 ppm. तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 1 ppm. ठीक है, इसी तरीके से अपन और भी न्यूमेरिकल देखेंगे. पहले इसमें देख लीजिए, आपको कोई डाउट हो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 1 kg वाटर सॉल्यूशन डायरेक्ट बोल रहा है वो, 1 kg जलीय विलयन में उपस्थित है, तो आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, आपको सॉलिड दे रखा है, ppm के फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा 1 ppm. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखे पहले. समुद्र के जल में -3 ग्राम O2 उपस्थित है. प्रति किलोग्राम जलीय विलयन में 4 × 10⁻³ ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन उपस्थित है प्रति किलोग्राम जलीय विलयन में, तो O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में. इफ 4 × 10⁻³ ग्राम O2 डिजॉल्व्ड Dissolved in per kg water solution, then per kg water solution, then find out concentration of O2 in ppm. बहुत easiest numerical है, आप लोग कीजिए अपने हिसाब से. अब देखो जिन बच्चों को नहीं आया वो तो ध्यान दीजिए. ये यहां पर सबसे पहले गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ बेटा, आपको वेट. अब सॉल्यूट कौन है, यहां पर ऑक्सीजन है, पानी में डिजोल्व है, तो पानी में सॉल्यूशन बना हुआ, और सॉल्यूशन कैसा है आपका पर केजी. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, 4 × 10⁻³ ग्राम. सिमिलरली यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में देखा था वैसे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास पर केजी, यानी 1000 ग्राम. 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, यानी 10³ ग्राम. ppm का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी आपने लिखा है, दोबारा मैं यहां पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 × 10⁻³. यहां पर ये कितना है सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10³ मल्टीप्लाई बाय 10⁶. सॉल्व कर लीजिए, 4 × 10⁻³, ये पावर में नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन से अगर जाएगा 10³ ऊपर, तो हालांकि आपको आता है फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों को बाद में कंफ्यूजन आता है. ठीक है, ये टोटल 10⁻⁶ या 10⁻+6, ये सब कुछ कैंसिल, क्या बचा 4. तो आप केवल 4 ना लिखे, इसकी यूनिट भी लगाएं ppm. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 ppm. तो पार्ट्स पर मिलियन के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, टोटल 3 क्वेश्चन हो चुके हैं. 1 वेट परसेंटेज का कर लिया, 2 ppm के कर लिया आपने. ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट मोलेलिटी का, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था कल वाली क्लास में. मोलेलिटी स्मॉल m होता है, उसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, और ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है. अभी अपन आगे हाई लेवल पे चलेंगे तो कंपटीशन के न्यूमेरिकल भी अपन को देखने को मिलेंगे, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल भी आप देख ही रहे. क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार 5.85
5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 500 ग्राम वाटर, ठीक है. देन व्हाट विल बी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो, हिंदी में भी क्वेश्चन वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, आपने लिख ही लिया होगा. यदि 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला हुआ है तो विलयन की मोललता क्या होगी. स्मॉल m की बात यहां पर कर रहे हैं अपन, मोललता यानी कि मोललता क्या होगी, ठीक है. तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी आप बोर्ड एग्जाम में भी किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले गिवन डाटा आपके पास क्या क्या है वो लिखना चाहिए आपको. तो गिवन है आपको यहां पर सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि कौन है आपका NaCl है, तो कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम, ठीक है. अब जाहिर सी बात है, दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है यहां पर, डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, ये आपका क्या है सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना है 500 ग्राम, ठीक. अब जो हम मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं उस फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप मोल्स की बात नहीं करें तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमने पढ़ा पहले, ठीक है. तो यहां तो अपन को किस में दे रखा है, ग्राम में. तो इस ग्राम को आप कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम में क्या करोगे, 500 अपॉन 1000, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 केजी, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो चुका है, ठीक है. अब आपके पास क्वेश्चन को अटेंड करने के दो तरीके होते हैं, मैंने बताया था आपको कि यहां से आप क्वेश्चन को चाहो तो पहले मोल फाइंड आउट कर लो सॉल्यूट के और डायरेक्ट मोल में आप मास ऑफ सॉल्वेंट का डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है. दूसरा तरीका यह है कि आप जो फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोलैलिटी स्मॉल m बराबर वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें होना चाहिए केजी में. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए. आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में अगर यही न्यूमेरिकल आता है तो हाफ मार्क्स का फॉर्मूला है और हाफ मार्क्स आपके करेक्ट आंसर विथ यूनिट के होते हैं. अगर यूनिट नहीं लगाए तो आधा नंबर आपका उड़ जाएगा, ठीक है. तो मोलैलिटी में वेट इन ग्राम सॉल्यूट आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में अपन ने निकाल लिया. अब केवल और केवल क्या चीज ऐसी है जो अननोन है आपके पास, मोलर मास. तो मोलर मास आपको वैसे आता होगा, नहीं आता तो मैं यहां पे लिख रहा हूं. NaCl का मोलर मास कैसे निकालोगे आप, NaCl मोलर मास, ठीक है. सोडियम का कितना होता है आप सभी को पता है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये आएगा आपके पास 58.5, ठीक है. ये आपका मोलर मास हो गया, ठीक. अब यहां पे आप पुट कर दीजिए तो स्मॉल m मोलैलिटी बराबर हो जाएगा, वेट इन ग्राम है आपका 5.85 अपॉन 58.5, ये मोलर मास हो गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1/2, ठीक है, 1/2 केजी. आप आराम से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए फटाफट. यहां पे आपको बेसिकली जो है
स्पेशली ध्यान क्या रखना होता है कि जो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटा दीजिए, आप यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे पॉइंट हटा दीजिए, आप यहां पे लिख सकते हैं 10। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया इसका 2 मोल पर केजी। पॉइंट 2 मोल पर केजी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन 5th, लिखिए हिंदी में 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन वाटर ml वाटर। ठीक है, 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, तो उसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलेरिटी। ठीक है, कैपिटल M फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, तो मोलेरिटी को ज्ञात कीजिए। ठीक है,